जहां एक ओर वृक्षों की कटाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं जीबी ग्रीन व्यू और नगर निगम द्वारा वृक्षों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने की मुहिम शुरू की गई। गांधीनगर से पितृ पर्वत तक 104 फीट रोड बनने जा रही है, जिसका निर्माण शुरू होते ही उसमें बाधित हो रहे वृक्षों को मिला एक नया बसेरा, जिसमें करीब 81 पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाना है। अभी तक करीब 60 वृक्षों को ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। तो पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने की इस मुहिम में आप भी अपना सहयोग दें। यह जानकारी हमें विजय सिरोजिया द्वारा दी गई। अभी आपको 80 पेड़ का शिफ्टिंग करना था, उसमें से हम लोगों ने 60 पेड़ शिफ्टिंग कर दिए और सफलतापूर्वक सभी पेड़ अभी चालू हो गए हैं, चलने लगे हैं। ये काम निरंतर अभी 1.5 महीने से चल रहा है, तो प्रोग्रेस भी है, बहुत सारे पेड़ों पर पत्तियाँ भी आ गई हैं और अभी 30 पेड़ हमको और शिफ्ट करना है। जैसा कि आज यहाँ पे पीपल का पेड़ कुछ ट्रांसप्लांट किया गया है, ये इसमें क्या क्या आपने डाला है इसके पोषण के लिए और कैसे क्या किया है ट्रांसप्लांट? इसमें एक्चुअली क्या हम पहले क्या करते हैं, इसमें पहले कटिंग करते हैं इसका, तो फंगसाइड जो रहता है डालियों पर वो लगा देते हैं, तो उससे क्या फंगस नहीं लगते पेड़ में। तो एक बड़ा गड्ढा किया जाता है, 8x8 का गड्ढा होता है, गड्ढे के हिसाब से फिर उसमें देखते खाद दवाइयाँ सब मिक्स कराते हैं, एक फर्टिलाइजर दवाइयाँ आती है उसका मिक्सचर डालते हैं, वो पेड़ की मात्रा के हिसाब से पेड़ की हाइट कितनी उसके हिसाब से वो पौधे में खाद डाली जाती है। जितना बड़ा पेड़ रहता है उस हिसाब से 8 किलो 10 किलो 15 किलो के हिसाब से फर्टिलाइजर दवाई वो खाद का करते हैं, और लगाने के बाद इसमें 3 दिन लगातार पानी दिया जाता है, उसके बाद फिर हफ्ते में 2 दिन पानी देते हैं, 2 महीने तक प्रोसेस रहती है, फिर प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर पेड़ को वापस चेक किया जाता है कि पेड़ कितने जीवित है कितना है। जैसे 90% पेड़ अभी तक सारे जो लगाए हमने 60% जीवित। आपका नाम? विजय सिजोरिया है नाम।